ओडिशा ट्रेन हादसे पर बड़ा खुलासा। हादसे की वजह का चल गया पता। रेल मंत्री ने जल्द खुलासे की कही बात। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। क्लियर्स इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 288 लोगों की जान चली गई और इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। लेकिन हादसे को करीब 36 घंटे का समय बीत चुका है। अस्पतालों में घायलों के साथ साथ उनके परिजनों का तांता भी लगा हुआ है। तो वहीं रेल मंत्री से लेकर रेलवे प्रशासन हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर जुटा हुआ है ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। बल्कि रात भर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे और जायजा लेते रहे। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हादसे की वजह का पता चल गया है। बल्कि रेल मंत्री के मुताबिक इस हादसे में जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है और जल्द जांच रिपोर्ट सामने भी लाई जाएगी। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे। लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। इसके साथ साथ रेल मंत्री ने बताया कि जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि काम तेजी से चल रहा है और पूरी कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए। सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे चार ट्रैक्स हैं, टोटल दो मेन लाइन है दो लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका ओएचई का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया एनडीआरएफ ओडीआरएफ और रेलवे की टीमों ने मृतकों की शिनाख्त और पटरों की मरम्मत के लिए पूरी रात काम किया है और अभी भी पूरी टीम जुटी हुई है। एनडीआरएफ ओडीआरएफ रेलवे की पूरा टीम कल रात भर भी काम किया है। तीन दिशा में काम त्वरित गति से किया जा रहा है। एक तो जो लोग मृतक हुए उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पूरा कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके परिवार तक पहुंचाना, ये काम चल रहा है। एनडीआरएफ की ओर से बताया गया है कि अभी तक 288 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 288 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं और तकरीबन 1000 से ज्यादा इंजर्ड लोग हैं उनको विभिन्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो ऑपरेशन है वो तकरीबन लास्ट फेज में है। इस दर्दनाक हादसे की वजह का भी पता चल गया है और जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उनकी भी पहचान हो गई है। अब उम्मीद है कि जल्द रेलवे